अच्छा दोस्तों, करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आईएएस बाबा का जो करंट अफेयर्स है वो दिसंबर 2019 का लेकर आए हैं। कुछ चीज़ें हम आज पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें के शुरू के चार पांच टॉपिक हम पढ़ेंगे। इस पीडीएफ की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, मैंने उस पर क्लिक करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल रहेगी, हिंदी में इसका मैंने ट्रांसलेशन नहीं किया है। तो हिंदी में मैं आपको जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मैं हिंदी में बता दूंगा आपको। एक चीज़ और भी है, मैंने हमेशा कहा है आपको कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी अब इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अब हर चीज़ उनको अवेलेबल नहीं हो पाएगी हिंदी में। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं डिस्कस यहाँ कर ही रहा हूँ हिंदी में, बाकी को समझ में ना आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी बात है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी आपको इन फ्यूचर में करंट अफेयर्स जो आईएएस के जितने भी आईएएस के लिए जरूरी होते हैं, आईएएस बाबा हो गया, विजन आईएएस हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट कोचिंग्स हैं उनके करंट अफेयर्स, मैं सब आपको यहाँ पर वीडियो बना के दे दूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी यूपी पीसीएस के लिए बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री कल्चर एंड ज्योग्राफी का है, पहला है पाइका मेमोरियल। देखिए पाइका मेमोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2017 की बात करते हैं, लगभग 2018 की बात करते हैं, लगभग 200 साल हो चुके हैं पाइका मूवमेंट को। पाइका मूवमेंट को कहा जाता है हिंदुस्तान का पहला फ्रीडम मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको ये जो पाइका मूवमेंट है ये उड़ीसा में हुआ था, और उड़ीसा में उस समय जब अंग्रेज आए और यहाँ पर उड़ीसा में जो ट्राइबल्स थे यानी आदिवासी थे, और उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ, और फिर उन्होंने यहाँ पर आके बहुत कुछ बदलाव किए, जैसे कि जो ज़मीन वगैरह थी उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जो आदिवासी अपने जंगल को अपना घर बोलते थे वो चीज़ अब उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाई। जो पहले बाटर सिस्टम हुआ था, मतलब कि जो विनिमय होता था वो सामान के बदले सामान मिलता था, लेकिन अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने करेंसी यानी पैसा स्टार्ट कर दिया, तो वो भी एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस था वहाँ के लोगों को। तो उन्होंने फिर विद्रोह किया, जब उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया तो फिर विद्रोह किया, और विद्रोह काफ़ी डेडली विद्रोह था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको किया गया। इस चीज़ को लेकर पाइका जो है शब्द आता है फुट सोल्जर से, यानी जो पैदल सैनिक होते उसका शब्द है, पैदल सैनिक को बोलते हैं पाइका, और इसको लगभग 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आईएएस का हो चाहे पीसीएस का हो या पीसीएस का मेंस भी होते हैं, ये सब आपको आ सकते हैं आप सामने। बाकी दो तीन चीज़ें और भी करेंगे, देखेंगे कि जो जो लीडरशिप दी थी इस पाइका रेबेलियन को वो दी थी बख्शी जगन बंधु ने। बख्शी जगन बंधु की लीडरशिप में ये गया था। तो कई बार सवाल पूछते हैं कि बख्शी जगन बंधु किससे जुड़े हुए हैं, तो बख्शी जगन बंधु जो हैं वो आपके पाइका मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो बख्शी जगन बंधु नाम ही याद रखिएगा, ठीक है। साथ में जो उनके एक राजा ने भी लीडरशिप दी थी वो थे आपके मुकुल देव द्वितीय ने भी सपोर्ट किया। तो मुकुल देव द्वितीय और बख्शी जगन बंधु ये दो लोग थे जो पाइका मूवमेंट से जुड़े हैं, और पाइका मूवमेंट हुआ है उड़ीसा में, और उड़ीसा और पहला ये इसको फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में हुआ है। देखिए फेस्टिवल के बाद सवाल पूछा जाता है पीसीएस में, तो आप याद कीजिए हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ है नागालैंड में, और बेसिकली ये जो भी नागालैंड या उसके आसपास जितने भी जनजाति रहती हैं तो आपस में इंटरेक्शन हो सके, आपस में एक दूसरे के सिस्टम को कल्चर को समझ सके, तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल अरेंज हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक ही फेस्टिवल अरेंज किया गया था नागालैंड के अंदर, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, तो ये बस इतना ही याद रख लीजिएगा। बाकी एक है शपथ मैत्रिकास। एक देखिए अभी तक संस्कृत का सबसे जो पुराना एविडेंस मिला है, संस्कृत जो ठीक है सबसे पुरानी या अर्लीस्ट फॉर्म संस्कृत की मानी जाती है, वो 4वीं शताब्दी में जो इंस्क्रिप्शन यानी कि जो शिलालेख या अभिलेख मिले हैं उससे पता लगा है कि सबसे 4वीं शताब्दी में जो लेख मिले थे हमें माना जाता था कि ये संस्कृत के सबसे पुराने लेख हैं। लेकिन जो नया अभी खुदाई हुई है उसमें पता लगा है कि शब्द मैत्रिकास में सबसे पुराने संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। शब्द मैत्रिकास का मतलब है कि सात देवियाँ ठीक है, सात देवियों की जो पूजा की जाती थी हिंदू धर्म में, तो उसके ऊपर ये संस्कृत इस्तेमाल की गई है, सबसे पुरानी संस्कृत ये माना गया। और इसको जो लिखा गया है वो सातवाहन जो राजा थे, एक विजया राजा सातवाहन राजा थे 2007 एडी में रहे, उसने इशूड किया था, लेकिन ये सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन माने जाते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में मिला है इस चीज़ का।
तो सप्तमैत्रिकास पूछ सकते हैं। सप्तमैत्रिकास क्या है? सप्तमैत्रिकास क्या है? 7 देवियां हैं जो हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती हैं। उसके अंदर विवेकानंद रॉक मेमोरियल मुझे लगता नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। शोर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शोर टेम्पल का मतलब क्या होता है? देखिए शोर का मतलब होता है तट, जो तट होता है वहाँ पर। तो उस तट के पास जो मंदिर बनते हैं उनको शोर टेम्पल कहा जाता है। तट समुद्र के तट के पास जो मंदिर बनते हैं उनको शोर टेम्पल कहा जाता है। अब शोर टेम्पल में क्या हुआ कि तमिलनाडु में एक जगह है ममलापुरम, तमिलनाडु में ममलापुरम जो है, जो समुद्र किनारे बिल्कुल है, वहाँ पर पल्लव राजा नरसिम्हन द्वितीय, पल्लव जो राजवंश था उसके जो नरसिम्हन द्वितीय थे, उन्होंने एक टेम्पल बनाया जिसको शोर टेम्पल कहा जाता है, ठीक है, ममलापुरम का, ठीक है। अच्छा अब क्या है, ये जो टेम्पल बना, प्रॉब्लम ये हो गई कि समुद्र के किनारे होने के कारण जो समुद्र की लहरें आती हैं, समुद्र से जो हवा चलती है, इससे वहाँ उस टेम्पल को बहुत नुकसान होता है, इरोजन होता है यार, ठीक है, उसका क्षरण होता है। तो इसके ऊपर चूँकि ये चीज़ ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत पुराने हैं, 1000-2000 साल पुराने ये बने हुए हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिकमेंडेशन दी गई जिसे एक ग्रेनल्स बनाया गया। ग्रेनल्स का मतलब है एक तरह की पगडंडी या एक तरह का एक रिकावट, जैसा फोटो में देख रहे हो, एक ऐसे बना दिया जाएगा जिससे क्या होगा कि समुद्र की जो लहरें आएंगी वो इस डायरेक्ट इस मंदिर पे अटैक या पहुंचेंगी नहीं, पहले इस एक इस जो बाधा बनी हुई है इस पे टकराएंगी। अब ये बाधा जो होती है ये एक सीमेंट की बनी होती है, ये बहुत मजबूत उससे बनी होती है, तो इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत सारा जो एनर्जी समुद्र का होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, समुद्र जो ओशन करंट आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, नमक एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो मंदिर है उसको कम से कम नुकसान होता है। तो ये ग्रेनुल्स बनाया गया है, इसका ग्रोइंस कहते हैं इसको, इंग्लिश में ग्रोइंस बोलते हैं, बाकी आप हिंदी में समझिएगा कि जो एक बाधा बनाई जाती है, इसके अंदर एक छोटा सा एक रुकावट बनाई जा रही है कि समुद्र का पानी उस टेंपल तक ना पहुंच पाए, ठीक है। और ये दूसरा सवाल ये है कि शोर टेंपल क्यों होते हैं? शोर जो होते हैं समुद्र के जो किनारे बनते हैं उनको शोर टेंपल कहा जाता है, और पल्लव के राजा थे नरसिम्हन द्वितीय, उन्होंने ये ममलापुरम में बनाया था, जो ममलापुरम तमिलनाडु में टेंपल बनाया है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के ऊपर एक सवाल आता है। देखिए मदन मोहन मालवीय जो हैं उनका बर्थडे 25 दिसंबर को होता है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस से जुड़े रहे, लगभग 50 साल वो कांग्रेस में रहे। मदन मोहन मालवीय के ऊपर एक दो सवाल आते हैं। पहला याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय को अभी रिसेंटली जो भारत रत्न दिया गया है, तो मदन मोहन मालवीय को भी मिला है उसके अंदर, ठीक है। कांग्रेस से जुड़े रहे थे लेकिन मिला ही है, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है, 2015 में दिया गया था, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज़ है, मदन मोहन मालवीय का एक खासियत आती है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसको फॉर्म करने में मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा योगदान इसमें माना जाता है। तो सवाल पूछा भी गया है कि मदन मोहन मालवीय किससे जुड़े हुए हैं, तो वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूछा गया है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कांग्रेस के अंदर दो धड़े बने हुए थे, गरम दल और नरम दल, तो गरम दल और नरम दल के बीच में एक ब्रिज का काम करते थे मदन मोहन मालवीय। इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनका जो समझ थी, वो गरम दल और नरम दल को दोनों को एक साथ जोड़ने में बहुत हेल्पफुल होती थी। फिर इन्होंने लगभग 4 कांग्रेस के सेशंस को लीड हेड किया था। ये था आपका 1909 में जो लाहौर में हुआ था, फिर 1918 में दिल्ली में हुआ था, और फिर 1930 में दिल्ली में, और 1932 कलकत्ता में। तो ये इन्होंने मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर इसकी चेयरमैनशिप की थी, ठीक है। अच्छा फिर अब आता है कि मदन मोहन मालवीय के साथ जुड़ा आता है, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा को भी इस्टेब्लिश करने में इनका कारण था। मदन मालवीय थोड़ा सा हिंदू फिलोसफी या हिंदू आइडियोलॉजी जो होती है उसको ज़्यादा तवज्जो देते थे। चलिए मेंस का एक हो जाएगा, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसमें, लेकिन मान के चलिए कि कांग्रेस में रहते हुए भी इन्होंने हिंदू महासभा को फॉर्म किया 1906 के अंदर, ठीक है, हिंदू धर्म के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिंदू लोगों के जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदू महासभा बनाई गई थी। बाद में ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हुए, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग अपने अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देते देते फिर दूसरों के खिलाफ हो जाते हैं, वो एक अलग कहानी हो गई, ठीक है। अच्छा बाकी एक जो ट्रेन भी चलती है, ट्रेन जो है महामाना एक्सप्रेस है, मदन मोहन मालवीय को महामाना भी बोला जाता है, तो महामाना एक्सप्रेस जो है वो वाराणसी से नई दिल्ली चलती है, ट्रेन भी चलती है, ठीक है। अच्छा और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लगभग 11 साल रहे, मतलब जो पार्लियामेंट हुआ, तो पार्लियामेंट तो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद आई है, लेकिन एक ऐसी काउंसिल जो कि कानून बनाती थी हिंदुस्तान के अंदर, ब्रिटिश कानून बनाती थी ब्रिटिश इंडिया में, तो उसको कहते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें भी लगभग 11 साल ये रहे हैं, जैसे आज के पार्लियामेंट होता उस समय का ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, जहाँ पर कानून बनाया करते थे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं सकता, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनेगा नहीं, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
बाकी इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सब धीरे धीरे कवर कर लूँगा मैं, और ये जो PDF है डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसको जो लिंक है डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद।